हेयर ग्रोथ जब होता है तो हेयर की भी अपनी एक साइकिल चलती है और उसमें चार तरीके के फेज होते हैं। मतलब आपने देखा होगा कभी तो बाल बढ़ रहे हैं, कभी रुक गए हैं, कभी झड़ रहे हैं, कभी डेड हो रहे हैं, कभी स्प्लिट एंड जा रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है बेसिकली? हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। बालों को लंबा और घना बनाने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं और बार बार फेल हो रहे हैं तो सी आर वेदा आपके लिए लाया ये हेयर ग्रोथ सीरम, जिसको यूज करके आप अपने बालों की ग्रोथ भी बढ़ा सकते हो, उन्हें घना भी बना सकते हो और अपने स्कैल्प और हेयर की क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि जो हेयर ग्रोथ की साइकिल है वो कैसे काम करती है। मतलब आपने देखा होगा कभी तो बाल बढ़ रहे हैं, कभी रुक गए हैं, कभी झड़ रहे हैं, कभी डेड हो रहे हैं, कभी स्प्लिट एंड जा रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है बेसिकली? तो मैं आपको बता दूं कि हेयर ग्रोथ जब होता है तो हेयर की भी अपनी एक साइकिल चलती है और उसमें चार तरीके के फेज होते हैं। पहला फेज जो होता है एनाजन फेज, जो जनरली 3 to 5 ईयर्स तक चलता रहता है और उसमें आपके बालों की लेंथ या बालों की डेंसिटी बढ़ती रहती है, मींस और नए नए बाल जुड़ते रहते हैं। अगर मैं बालों की बात करूं सिर्फ स्कैल्प की तो 3 से 5 साल तक ये बढ़ते रहेंगे या घने होते रहेंगे। और अगर मैं बात करूं प्यूबिक हेयर की या आईब्रोज के बालों की या फिर आपके जो अपर लिप्स पे बाल होते हैं, थोड़े बहुत फेशियल हेयर होते हैं, उनकी मैं बात करूं तो इनका पीरियड जो होता है वो शॉर्ट होता है। ये जनरली 10 to 15 डेज में मतलब बढ़ना ये शुरू हो जाते हैं और 10 to 15 डेज तक ही ये लास्ट करते हैं। फिर इसके बाद एक आता है कैटेजन फेस। कैटेजन फेस में क्या होगा बेसिकली, ट्रांजिशन चलेगा। ट्रांजिशन क्या चलेगा कि अब आपके बाल बढ़ने से रुक गए हैं और वो हेयर जो है हेयर फॉलिकल से सेपरेट आउट होना शुरू हो गया है। ऐसे में ग्रोथ स्लो हो जाएगी और बाल आपका श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद एक फेस आता है टीलोजन फेस। जो टीलोजन फेस है उसमें ना तो बाल झड़ेंगे और ना बढ़ेंगे, और जो आपका बाल सेपरेट होना शुरू हो गया है वहीं से और बाल आना शुरू हो जाते हैं। और लास्ट में जब एक्सोजन फेस आता है, जब बाल आपके झड़ने शुरू होते हैं, शेडिंग शुरू होती है, तो उसमें बाल टूटने शुरू हो जाते हैं और फिर से यही साइकिल चलती रहती है। तो इस तरह से ये जो फेजेज हैं इसमें हमारा बाल बढ़ता है या बालों की साइकिल हमारी चलती है। क्योंकि आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि कभी तो बाल लंबे हो रहे हैं, फिर उसके बाद रुक गए, फिर उसके बाद झड़ने शुरू हो गए, फिर से बाल दोबारा से ठीक लगने लग गए। तो ये अपनी साइकिल पूरा करते हैं। और इस साइकिल में कितने बाल बन रहे हैं या ज़्यादा झड़ रहे हैं या स्कैल्प हेल्थ खराब हो रही है, हेयर हेल्थ खराब हो रही है, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे आपका लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, ऑब्वियसली ईटिंग हैबिट्स, या हो सकता है कोई हार्मोनल डिसऑर्डर हो या नहीं हो, और पोल्यूशन, और आप अपने बालों की केयर कैसे कर रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर्स पे ये आपके जो फेजेस हैं ये निर्भर करते हैं कि कैसे एक्ट करेंगे या कैसे साइकिल चलेगी, कम चलेगी या ज़्यादा चलेगी, अच्छी चलेगी या बुरी चलेगी। ये तो हो गया बालों का बढ़ना कि कितने कितने फेज में बाल बढ़ रहा है, गिर रहा है और किन फैक्टर्स पे ये रिलाई कर रहा है। और अगर आप अपने हेयर केयर रूटीन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स डाल देते हैं जो आपके स्कैल्प की हेल्थ को मेंटेन करके चलते हैं या हेयर हेल्थ को मेंटेन करके चलते हैं और अपना ईटिंग हैबिट्स अच्छा रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस कम लेते हैं, तो आपके बालों की क्वालिटी बरकरार रहेगी और किसी भी फेज में आपके बालों को फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही लंबे और घने बने रहेंगे। कोई सीजन चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। ऐसे में आप सिया आयुर्वेदा का ग्रोथ सीरम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने हेयर केयर रूटीन में, जो आपके स्कैल्प की हेल्थ को मेंटेन करेगा, साथ साथ आपके बालों को ग्रो होने का चांस देगा। जो एक साइकिल मैंने बताई एनाजन साइकिल, शायद वो लंबे महीनों तक चल सकती है या सालों तक चल सकती है और आपके बाल बढ़ते ही रहेंगे, जो शायद एक स्पेसिफिक लेंथ पे आके रुक गए हैं और आपने नोटिस किया होगा कि अब वो बढ़ नहीं रहे हैं। बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि इससे ज़्यादा बाल बढ़ते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो एनाजन फेस है वो लंबा चल ही नहीं रहा और कैटेजन फेस में वो आ ही नहीं रहा। तो आपको ये इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है, जिसकी हेल्प से, इस सीरम की हेल्प से आप अपने बालों को ग्रो करा पाएंगे, अपने स्कैल्प को हेल्दी इन्वायरमेंट दे पाएंगे और अपनी ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल अगर ठीक कर लेंगे, कुछ एक्सरसाइज डाल लेंगे और स्ट्रेस कम लेंगे, तो आई गारंटी यू कि आपको किसी महंगे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी और डॉक्टर कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल
12 महीने 365 डेज या लीप ईयर में 366 डेज ऐसे ही हेल्दी और घने बने रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो हम एक फॉर्म अटैच करके दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनके आंसर्स दे सकते हैं क्वेश्चंस के और अपनी एक पर्सनलाइज कंसल्टेशन ले सकते हैं और आपके लिए क्या सही है वो जान सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं और अपनी जो परेशानियाँ हैं उनका सोल्यूशन ले सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ब्यूटिफुल हेयर।